गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी एक अच्छी तरीके से कर रहोगे। बच्चों, आपको एग्ज़ाम के बारे में अभी डेट शीट तो नहीं मिली है, लेकिन एक आइडिया है कि 15 अगस्त के बाद से आपका एग्ज़ाम होना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट क्लियरली आपके पास 1 मंथ है और इससे अब इतना ही टाइम आपको मान के चलना है। इतने टाइम में हम लोग सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मेरी क्लासेस कुछ नहीं हो पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग फोकस करेंगे आज के अपने टॉपिक, आज के अपने चैप्टर के ऊपर। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो चैप्टर है, सबको पता है, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे वो था वेक्टर। वेक्टर में कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी और कुछ चीज़ें हम लोगों की बाकी हैं। जैसे कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में डिटेल एकदम एक एक चीज को समझ के चलेंगे। ठीक है, जय हिंद राज तिवारी, प्रतिमा अज, अरीब रजा, प्रभाकर गुर्जर, अभिषेक यादव गुड मॉर्निंग, शंकर कुमार राज गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को बहुत 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 गुड मॉर्निंग। ठीक है, वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बस थोड़ी बहुत चीजें आपको पता हो, ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो जाता है। तो आज का जो अपना जो मेन फोकस रहने वाला है आज की इस क्लास का, ठीक है, वो किसके ऊपर रहने वाला है, वो किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है अपना मेन फोकस, वो रहने वाला है डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, हम लोग का जो मेन फोकस रहने वाला है वो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर रहने वाला है। गुड मॉर्निंग सुमित कुमार, मैं ठीक हूं बच्चे। थोड़ा सा तो तुम्हें मेरी आईज से लग रहा होगा कि उतना ठीक नहीं, लेकिन अभी इतना है कि क्लास ले सकते हैं अच्छे से। और BHMS के बारे में मुझे इतना तो नहीं पता है। गुड मॉर्निंग SK प्रजापति। हाँ, तो यहां पे देखो डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, इफ थीटा इज एंगल, कोई एक एंगल बन रहा है। ठीक है, नीट की एग्जाम डेट कब है? नीट की एग्जाम डेट बच्चे अभी तो कुछ आगे बढ़ी है, 1 अगस्त तो नहीं है, उसके बाद जब भी हो, बिटवीन टू नॉन जीरो। ठीक है, दो नॉन जीरो के बीच में पोजिशन वेक्टर बता देंगे तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, दो ए और बी के बीच में अगर कोई भी थीटा बन रहा है, तो वो बच्चे पता है कि अगर उसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, उसका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इस तरह से निकलता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। अब एक बच्चे ने पोजीशन वेक्टर की बात करी, तो पोजीशन वेक्टर वो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो। इनिशियल पॉइंट होता है एक टर्मिनल पॉइंट होता है, तो इनिशियल पॉइंट अगर किसी का ओरिजिन है तो वो पोजीशन वेक्टर बन जाता है। ठीक है, हाँ, पोजीशन वेक्टर उस तरीके से बन जाता है, जैसे दीपक ने बात करी थी। एक दो लोगों के गिफ्ट और पहुंच जाए वरना वो लोग नाराज होंगे। लूसीफर मॉर्निंग स्टार, हाँ, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे थोड़े दिनों के बाद, कुछ लोगों की गिफ्ट और पहुंच जाए फिर डालते हैं, वरना वो लोग पता नहीं कमेंट में आके क्या क्या बोलेंगे। तो देखो, लेकिन इस बात में इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो जो यहां पे थीटा जो है वो जीरो से लेकर के पाए तक होता है। ठीक है, हाँ, थीटा जो होता है वो जीरो से लेकर पाए तक होता है। इतनी छोटी सी बात है कि डॉट प्रोडक्ट कब निकलता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर थीटा इनके बीच में एंगल है, दोनों ही ये जीरो नहीं होने चाहिए, तो ए डॉट बी अगर ए, अब अगर कभी आपको डायरेक्टली कॉस थीटा निकालने को बोल दें तो आप कह सकते हो कि कॉस थीटा जो होगा वो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये अगर आपको, हाँ,
पोजिशनल वैक्टर मैंने बताया तो एक्सटर्नली और इंटरनली, हाँ वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे अभी। हाँ मैं सच में हो गया था, यस यस यू आर राइट लूसीफर। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। नंबर वन बच्चों एक बात ध्यान से समझ लो, ठीक है, ए डॉट बी जो भी आपका आंसर आता है वो हमेशा रियल नंबर आता है। क्या आता है? रियल नंबर आता है, मतलब कि इनको अगर आप कभी डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो आपको एक आंसर ऐसे मिलेगा 2, 3, 4, 5, ऐसे नहीं मिलेगा कि कोई वेक्टर वेक्टर मिले, यहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर मिलता है आपको। ठीक है, अगर मान लो a इज इक्वल टू जीरो है या b इज इक्वल टू जीरो है, अगर a जीरो है या b जीरो है, ठीक है, देन जो आपका थीटा होगा, थीटा इज नॉट डिफाइन। अगर दोनों में से एक भी जीरो होगा तो थीटा जो होगा वो आपका डिफाइन नहीं होगा। हिंदी में भी ठीक है बता देंगे अभी। देखो इसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब है कि कोई ऐसे नंबर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें से अगर कोई भी वेक्टर जीरो है, ए जीरो हो या बी जीरो, तो थीटा जो होगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई ए डॉट बी पूरा जीरो हो सकता है और ये दोनों जीरो ना हो, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कुछ और चीजें जो समझ लेनी है आपको, प्रॉपर्टीज थोड़ी सी जरूरी होती हैं। अगर आप किसी का भी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, चाहे आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही कंडीशन में आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है, ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, देर इज नो इशू। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि कॉमुटेटिव है। ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कॉमुटेटिव होता है। नंबर टू पे अगर आपने कभी इसको जीरो से करा दिया, ठीक है, जीरो वेक्टर से करा दिया, तो आपको जीरो ही मिलेगा, एक तो हो सकता है जीरो, हाँ अगर एक जीरो करा दिया तो जीरो मिलेगा आपको। ठीक है, नंबर तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ए डॉट बी प्लस सी अगर आप करा रहे हो, ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो आप इसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। नंबर फोर, हेलो शमशेर मौर्या, हाँ मैं ठीक हूं बट तुम्हें लग भी रहा होगा कि ठीक हूं, बट इतना ठीक नहीं हूं लेकिन ठीक हूं, थोड़ा थोड़ा पेन होता है अभी, ज्यादा उसके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। ए डॉट ए एंड बी अगर मान लो परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का ये साइन लगा लेते हैं, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट बी जो होता है बच्चों, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो जीरो आता है। ठीक है, और अगर उल्टा दिया रखा हो कि भाई कभी ए डॉट बी दे रखा हो, जीरो दे रखा हो, तो आप समझ जाना कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक, एक दो बातें और कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। प्रोजेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि भाई प्रोजेक्शन भी जान लेते हैं फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। अगर हमें कभी प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, रिवीजन की तरह मैं आपको करा रहा हूं इस, वरना बहुत डिटेल में जाते हैं हम लोग, तो होता है कि भाई किसका किसके ऊपर निकाल रहे हो वो चीज उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में आ जाता है। ठीक है, अगर जस्ट इसका उल्टा हो कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हो तो ए अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, कभी आपको एंगल निकालना पड़े तो आपको पता ही है कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, हाँ होना तो चाहिए, हाँ कॉन्सेप्ट बता देता हूं, नहीं रेस्ट क्या, रेस्ट तो भाई तो मैं कह रहा हूं इस बारे में ज्यादा बात मत करो। आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट, और एक दो दिन में और भी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें कुछ इसको कोई डाउट हो, कोलिनियर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो आप कह सकते हो कि ये कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर फिर से एक बार बता दो सर। ठीक है, हाँ ये मैं सोचता हूं कि पीडीएफ ये सारी सेंड कर दूं, इतनी बात अगर क्लियर हो, क्योंकि जो जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से देख लो, फिर मैं आपको और चीजें भी बता देता हूं। ठीक है, बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। एंगल की बात हो गई, अब बच्चों देखो एक सेवेंथ नंबर पे देखो,
अगर कभी ए डॉट ए करना पड़े अपने को, ठीक है, तो अपना ये हो जाता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात में, सभी समझा देंगे। अगर कभी आपको आई से आई को, जे से जे से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, चलिए बच्चों, तो आप सबको पता होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। एक कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार कि अगर आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हाँ, दैट फॉर उसके ऊपर वर्क करेंगे। जल्दी से आई को आई से, जे को जे से, के को के से अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 5.6, हाँ तो बाद में कराएंगे, ठीक है, 1, बिल्कुल बिल्कुल आयुष, करेक्ट यू आर। ऐसे ही अगर कभी आय का स्क्वायर हो जाए, आय के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या के का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी हमेशा 1 होगा। मतलब कि आय को अगर आय से मल्टीप्लाई करना पड़े, सेम बात है, ठीक है, लेकिन जस्ट अगर इसकी साइकिल उल्टी चल जाए, मतलब कि आय को जे से करना पड़ जाए, या जे को के से करना पड़ जाए, या के को आय से करना पड़ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये 0 हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल, तुम लोगों ने, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। मैं, ठीक है, नंबर 10 पे अगर एक बात और समझ लो कि मान लो एक कोई ए वेक्टर दे रखा है और उसमें है A1i प्लस A2j और A3k, मान लेते हैं ऐसे कुछ। तुम लोग को पूरी बात समझाने के बाद एक्सरसाइज पे आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बी में मान लो B1i, B2j और B3k, अगर मान लो मुझे इसका ए डॉट बी निकालना पड़ जाए कभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे A1 B1 हो जाएगा, A2 B2 हो जाएगा और A3 B3 हो जाएगा, और जो जितने भी आई जे के दिख रहे हैं वो नहीं आएंगे, खाली यहाँ पे नंबर्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स आएंगे, तो इसलिए आप लोग इस चीज को बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हो। 11th पॉइंट अपना है, बस एक ही दो पॉइंट रह गए हैं कि अगर मान लो मुझे किसी लैम्डा से ए को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए और ए डॉट बी यहाँ पे मान लेते हैं कि ये बाहर है, ये अंदर है, ये इस पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ए और बी को करा लो और लैम्डा बाहर लिख लो, यहाँ पे कोई भी लैम्डा या स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। दूसरा कि अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0, देन अगर थीटा का भी 0 आता है तो आपको पता है कि ए डॉट बी जो होगा आपका वो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, या फिर कभी थीटा आपका पाए आ गया, देन आपका जो ए डॉट बी है वो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि माइनस का ए और बी हो जाएगा, ठीक। अब लास्ट पॉइंट जो तुम लोग कोलिनियर वाला पूछ रहे थे वो मैं बता देता हूं कि मान लो दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, एक वेक्टर ए है और एक बी है, तो अगर मान लेते हैं कि ए जो है वो A2j प्लस A3k है और जो बी वेक्टर है वो B1i प्लस B2j प्लस B3k है, तो अगर ये कोलिनियर या पैरेलल की बात कभी आपसे कोई करता है तो आप सीधे उससे एक ही कॉन्सेप्ट लगाना, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3। आई होप कि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में पढ़ाया जाने वाला है वो पूरा समझा दिया है। कोई डाउट बच्चों, PDF भेज देना क्लास के बाद ग्रुप में। हाँ, PDF भेज देंगे जैसे ही टाइम मिलता है। यस बच्चों, इज इट क्लियर? क्वेश्चंस पे आए, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? क्या तुम लोग क्वेश्चंस के लिए तैयार हो? अगर मैं इतना तेज बोलता हूँ, हेडफोन लगा के बैठे होगे तो डर जाओगे कभी कभी। एक्सटर्नली और इंटरनली का कॉन्सेप्ट बताना है, चलो वो भी बता देते हैं, फिर डायरेक्टली फिर क्वेश्चन करें। मान लो कि दो वेक्टर हैं और एक कोई वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसको कोई भी तीसरा वेक्टर एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो अगर इंटरनली कर रहा है तो जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में वो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है,
तो उस तरीके से आ जाएगा एम बी एन ए अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। और अगर मान लो एक्सटर्नली कर रहा है तो निगेटिव में आ जाएगा ये चीज, ठीक है, एम बी माइनस एन ए। बस इज इट क्लियर? और कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो तो आप बता दो, फिर मैं सीधे क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द क्वेश्चंस, बी रेडी फॉर द क्वेश्चन। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिड पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मिड पॉइंट अगर कभी निकालना है तो बस ये बी और ये हट जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, फार्मूले वगैरह। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहला ये, दूसरा तो नहीं है, हाँ पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलिए, कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड रूट टू एंड थ्री रेस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इजुकल टू रूट सिक्स। चलिए, एंगल की बात करिए, अपने को पता है कि कॉस थीटा इजुकल टू ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक। तो ए डॉट बी जो है ना वो कितना दे रखा है, रूट सिक्स। फिर फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड रूट थ्री है एक का और एक का टू है, ठीक। कॉस थीटा की बात चल रही है, आपको पता है कि रूट सिक्स को आप लिख सकते हो रूट थ्री इंटू रूट टू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात में। और ये आ गया रूट थ्री इंटू टू, ये और ये कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा यहां से रूट टू से ये भी कैंसिल हो गया, वन अपॉन रूट टू। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू। अब जितने बच्चों को ये पता है कि थीटा वन बाय रूट टू कब होता है, उनके लिए आंसर आ चुका है, और जिनको नहीं पता है उनका आंसर अभी नहीं आया है। तो आपका आंसर आ चुका है या नहीं आया? यस, वैक्सीन देखो लगाओगे ना, मुझे भी चार पांच दिन फीवर आया था वैक्सीन के बाद, कोई बात नहीं। आंसर आ चुका है आपका या नहीं आया? फार्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्लास की डिस्कस करा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मली वैसे ही गए जैसे क्वेश्चन लगाया जाता है, कट पिट करा और हो गया 45। आप भी क्या देखो 45 कह सकते हो या पाई बाई। बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, दोनों एक वेक्टर मान लेते हैं ए है, आई माइनस टू जे हाँ, यहां कमेंट में तो लिखना जरूरी नहीं है लेकिन पेपर में लिखना जरूरी है, क्योंकि वो पाई के फॉर्म में ही ज्यादातर लिखा जाता है और वो वही एक्चुअल फॉर्म है। इसको 45 को गलत नहीं है बट वो छोटे बच्चों वाली फॉर्म मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक। ए डॉट बी कैसे निकलता है कि जैसे आई के साथ में इसकी मल्टीप्लाई होती है, थ्री आ गया, ठीक, प्लस जे के साथ में यहां पे माइनस टू और माइनस टू प्लस का फोर आ गया, थ्री के साथ में के की तो ये प्लस का थ्री आ गया, अपॉन इसके बाद ए का मैग्नीट्यूड मतलब कि अंडर रूट वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर और प्लस थ्री का स्क्वायर, ठीक। दूसरी तरफ थ्री का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर,
ओवरऑल जो आपको मिला 3 और 4, 3, 3, 6, 10 अपॉन, यहां से आपको मिलेगा 9, 10, 14 अंडर रूट 14, और यहां से आपको मिलेगा 9, 10 अंडर रूट 14। तो दोनों ही कंडीशन में आपको अंडर रूट 14 मिला, तो आप कह सकते हो कि आपको 10/14 मिल जाएगा। ठीक है, आपको कितना मिल जाएगा, 10/14 मिल जाएगा, जिसको आप कैंसिल कर सकते हो और लिख सकते हो 5/7। तो थीटा जो होगा वो आपको हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। कोई डाउट आपको? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सुमित क्या कह रहे हैं, सर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी करवा दीजिए ना प्लीज। करवा दूंगा, हाँ आज तो इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन जैसे चैप्टर खत्म करेंगे तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करा देंगे सारे। इजी, आसान, सही है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बच्चों इसमें? प्रोजेक्शन पूछा है बच्चों, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों से बात करी थी, एक फॉर्मूला लिखवाया था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर हम लोग इसमें दो तरीके से फार्मूले लगते हैं, नहीं 10 तक है, 10 ओ क्लॉक तक है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, तो यहां पर देखो, जैसे जब हम लोगों ने फार्मूले देखे थे तो ये देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो जिसके ऊपर होता है वो अपॉन में रहता है और बाकी ऊपर वाले का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। हाँ जल्दी जल्दी करेंगे अब, ठीक है, अब ज्यादा क्लासेस भी करेंगे, और आई एम प्लानिंग कि कैलकुलस के लिए सेपरेट क्लास रख लेता हूँ साथ में, तो मैं सोच रहा हूँ अभी देखते हैं, जैसे इट्स डिपेंड ऑन कि मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ठीक हो और हो जाऊँ तो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी और लेंथ बढ़ा दूंगा। जो लोग कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं ना, वो उनके लिए थोड़ा सा सेपरेट सोच रहा हूँ, अभी बता नहीं रहा हूँ, अभी देखते हैं। अक्षत हाउ आर यू, सोच रहे होगे सर की मेमोरी बहुत शार्प है, पहचान लिया मुझे, देखो पहले तुम्हारे नेम लिखने से पहले बोल दिया था। तो ए देखो i माइनस j है, डॉट i प्लस j है, अपॉन i प्लस j, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। i को मल्टीप्लाई i से कराओगे 1, j को मल्टीप्लाई j से कराओगे माइनस का 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 2, तो ये तो आपको मिल जाएगा धोखा, मतलब कि 0। ठीक है, ये आपको मिल गया 0। कोई प्रॉब्लम इस बात में भाई, 0 क्यों मिल गया? लग रहा हो कि भाई 0 नहीं मिलना चाहिए, कुछ और मिलता। कोई प्रॉब्लम? जीरो, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस। तो ए वेक्टर मान लेते हैं कि ये i प्लस 3j प्लस 7 के है, और बी वेक्टर जो है वो 7i माइनस j प्लस 8 के है। ठीक है, गेमिंग विद हैंडसम पढ़ते रहो। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहे हैं हम लोगों से, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि ए डॉट बी और अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर भी बनता है प्रोजेक्शन उसी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखो ए डॉट बी थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ये आ गया आपका 7, ये आपका आ गया -3 और ये आपका आ गया 56 अपॉन।
बी का मैग्नीट्यूड मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये आपका हो गया 63 में से 6, ये हो गया 60, अंडर रूट 49 प्लस 1 प्लस 64 मतलब कि 50, 60 अपॉन अंडर रूट 114। और 114 को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ हो सकता है क्या? नहीं, कुछ खास तो नहीं होगा ऐसा कि अंडर रूट के बाहर निकल के कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, तो आप इसी को आंसर बोल सकते हो। तो इफ इट इज इट क्लियर कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन में कई बार एक नंबर में दो नंबर में प्रोजेक्शन पूछ लेते हैं तो प्रोजेक्शन वाली बात क्लियर होगी बच्चों कि भाई ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट आता है, मैग्नीट्यूड निकालना आता है तो प्रोजेक्शन भी निकलना आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? एनडीए क्लासेस, अब देखो कल से कोशिश करेंगे, कल मुझे जाना है थोड़ा सा, मॉर्निंग में जाऊंगा, मतलब मॉर्निंग का मतलब दिन में जाऊंगा, एमआरआई कराने, थोड़ा सा उसकी नीड है तो वो देख लेते हैं, उसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, जैसा भी होगा उसके हिसाब से क्लासेस शेड्यूल कर लेंगे। पोजिशन वैक्टर का फॉर्मूला कुछ नहीं है, पोजिशन वैक्टर में बस अगर कभी तुमसे पूछते हैं तो जो भी पॉइंट्स दे रखे होते हैं, जैसे मान लो 2, 3, 4 दे रखा है पॉइंट, तो बस इसी से वेक्टर बना दिया करो, क्योंकि इसका इनिशियल जो होता है वो 0, 0 होता है, तो बस 2i 3j + 4k। सर ये कैसे पता होगा कि बी पहले हो कभी? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन जिसके ऊपर बन रहा है ना वो अपॉन में जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर बन रहा है वो अपॉन में जाएगा। तो प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर तो वो ऊपर रहेगा, ऑन जिसके ऊपर रहेगा वो अपॉन में रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान चीज है, आप पता कर सकते हो। सो दैट द ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, ये दिखाना है तुम्हें। ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो यूनिट वेक्टर दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इनका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, अगर मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए आपको ए डॉट बी 0 दिखाना पड़ेगा, तो मैं 1, 2 को करके दिखा देता हूं, बाकी आप कर लेना। मान लेते हैं कि ए ये है 1/7 2i + 3j + 6k। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़े, ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़े, तो मैं कैसे, यूनिट वेक्टर मुझे दिखाना है तो कैसे निकालूंगा? देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 4 + 9 + 36 1/7 = 49 यानी कि 7। तो ये 1 आ गया, यानी कि ये यूनिट वेक्टर तो है। अब मुझे मान लो इसको दिखाना है किसी के साथ में, ठीक है, अगर मुझे दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो मैं कोई भी दो को, पहले देखो पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, और फिर आपस में इन दोनों, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मुझे सिंपल सा काम करना है कि अगर मेरा ए डॉट बी 0 आ गया तो काम हो जाएगा, फिर हमें ए डॉट सी भी निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी डॉट सी भी निकालना पड़ेगा, दैट यू विल डू, ठीक है। लेकिन ये मैं इतना कर देता हूं, तो पहले समझ लो कि 1/7 1/7 1/49 तो हो ही गया, बात खत्म। इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं 2 की मल्टीप्लाई 3 से तो 6 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 6 से माइनस का 18 हो गया, 6 की मल्टीप्लाई 2 से तो ये 12 हो गया। तो ओवरऑल हमें मिल गया 1/49 18 - 18 0, तो ये 0 आ गया, यानी कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया ए डॉट बी। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि सभी आपस में एक दूसरे से भी हैं, मतलब ए बी से भी है, बी सी से भी है और ए सी से भी है, तो वो आप लोग कर लोगे, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, अब वो आप लोग कर लोगे। यस, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि कर सकते हो, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि कर सकते हो।
ये समझ नहीं आया सर। देखो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड बनो, तो हमने क्या करा, पहले सबसे पहले एक को लिया और उसका मैग्नीट्यूड निकाला और मैग्नीट्यूड देखा कि बन आ गया, ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये भी शो करके दिखाओ, और मैंने तो एक के साथ में करा है, आपको बी के साथ सी के साथ भी करना है, ठीक है, बी के साथ में और सी के साथ में भी करना है, मैंने सिर्फ आपको एक के साथ में बताया, वो आप करोगे अपने आप से। फिर इन्होंने कहा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन भी मैंने आपको बताई कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट बी जो है वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। फार्मूला ही तो लगाया है यूनिट वेक्टर में, फार्मूला ही तो लगाया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो यूनिट वेक्टर इस तरीके से होता है ना कि एक, अगर हमें किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो यही चीज तो होती है कि ये वाली जो चीज तुम सोच रहे हो, लेकिन यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड बनो। तो अगर हमें किसी को शो करना है कि वो यूनिट वेक्टर है, किसी को फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, देन दिस इज द फॉर्मूला जो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। लेकिन अगर हमें किसी को शो करना है तो इसका मतलब हो गया कि उसका उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो वन हो, ठीक है। हाँ, वो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, है ना। किसी का भी यूनिट वेक्टर वन होगा क्या? हाँ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा, यही तो होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब वन। नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। आकांक्षा, यू आर इन 2022 बैच और इन दिस बैच, वो बैच भी कंटिन्यू करना है, आज कल से कंटिन्यू करना है, सोचा था कि कल से करेंगे बट हो नहीं पाया, फिर आज से करेंगे। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जरूरी है, यहाँ पर देखो ए डॉट बी इज माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू एट, तो देखो ए प्लस बी और a माइनस बी, ओके ओके, वो भी बैच कंटिन्यू करेंगे और एमसीक्यू वाली भी चीजें अभी कंटिन्यू करेंगे उसमें। देखो a को a से मल्टीप्लाई कराओगे, मैंने आपको सिखाया था कि a को a से मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर a को b से मल्टीप्लाई कराओगे तो निगेटिव का a डॉट b आ जाएगा, फिर b डॉट a आ जाएगा, फिर माइनस का बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू में कितना है, एट है, ठीक। आप लोगों को एक बात मैंने सिखाई है कि ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। मैं एक ही जगह पर 8b लिख सकता हूं, ठीक है, एक ही जगह पर 8b लिख सकता हूं, तो इसका मतलब हो गया 8b के मैग्नीट्यूड के पूरे का स्क्वायर माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पूरी बात समझते रहना, ये हो जाएगा 64 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में 8 चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 63 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो अब आप लिख सकते हो इसको इजिली, बी इज इक्वल टू 8 अपॉन 63 का अंडर रूट, अभी अंडर रूट भी निकाल देंगे। कॉमोटेटिव ये होता है कि अगर आप किसी को उल्टा सीधा भी लिखते हो, जैसे ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, ठीक है, ए डॉट बी या बी डॉट ए, तो सेम होता है वो, ठीक है, तो वो सेम होता है, ठीक है, बाकी कुछ ऐसी बात नहीं होती है। इसको अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो तो 8 का मतलब कि 2 रूट 2 हो जाएगा, और 63 मतलब 9 इंटू 7 तो 3 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसी से ये तो b निकला है, अगर आप इसी से a निकालना चाहते हो तो आपको पूरे से 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि हो जाएगा 16 अपॉन 3 रूट 2 अपॉन रूट 7। कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है, पूछ सकते हो अगर है तो, क्योंकि देखो इस क्लास में और अदर क्लासेस में डिफरेंस यही है,
मेरी क्लास में और अदर क्लासेस में, कि यहाँ पर आप अपने डाउट्स को तुरंत के तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मूवीज की तरह आपको नहीं देखना, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, कहीं पे प्रॉब्लम आती है तुरंत पूछना है। ठीक है, हो सकता है कि मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़े हैं, बट जो भी जुड़े हैं आई होप कि उनके साथ में अच्छा हो, जिससे कि उनको हर एक चीज़ जब क्लियर होगी तो समझ में भी आएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो अब जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया मेरी, ये कंप्लीट करने हैं हम लोग को। बहुत सक बिल्कुल होना भी चाहिए। बंस मोर, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, कहने को तो तुम आइडेंटिटी लगा सकते हो, बट वेक्टर में ऐसा मत करना, आपको एक एक को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक एक को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मान लो मैंने a को a से मल्टीप्लाई करा तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b से कराया तो a माइनस बी, b को a से कराया b डॉट a, और b को b से कराया माइनस b का स्क्वायर। तो ये दोनों कॉम्यूटेटिव होते हैं, मतलब उल्टे सीधे लिखे सेम रहते हैं, तो दोनों कैंसिल हो गए। इसकी जगह पर हमने ये वाली वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये वाली वैल्यू डाल दी, तो ये 8 का 64 हो गया, 64 में से 1 माइनस हुआ 63 हो गया, अपॉन में लेके गए बस आंसर आ गया, नथिंग एल्स। ठीक है, ये 8 है, 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 एक की जगह पर 1 × 2 बाहर आ जाएगा, 63 मतलब 9 × 7, तो 3 × 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप बस पढ़ते रहो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसे मैं जब क्लास नहीं लेता तो मेरे पास 15 से ज़्यादा बच्चों का मैसेज आता है, लेकिन जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो 15 बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, अभी ठीक है बात, यहाँ पे बी वेक्टर 2 और ये 9, उसके बाद ए जो है वो 16/3√2/√7। चलिए, बाकी जो नहीं क्लियर हुआ है वो यहाँ से हो जाएगा, ध्यान से समझना कि 3a − 5b 2a, तो इसमें भी सेम मल्टीप्लाई आपको करनी है। थ्री टू जा 6a, लेकिन a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्लस का 21a·b, माइनस का 10b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और माइनस का 35, एक मिनट गलत कर दिया क्या, 3 × 6 a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये 21 का ab, ठीक है, माइनस का 5b, तो ये 10 ab, और फिर माइनस का 35 b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल गया 6a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 21 में से ये चला गया तो बचा आपके पास 11a·b, और माइनस का 35 b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। सर कॉलेज के बारे में सोच, हो जाएगा कॉलेज भी, बट अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी तो जो लोग, जिन लोग का रिजल्ट नहीं आया वो लोग भी नहीं जा पाए हैं, तुम लोग का और उनका ज़्यादा गैप नहीं रहेगा एज हम लोग सोच रहे हैं उस हिसाब से, तो क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब कि ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, अच्छी बात है कि दोनों आपस में मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है, एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60, और स्केलर प्रोडक्ट भी आपको पता है, सब कुछ तो पता है, 1/2 थीटा 60, सब कुछ तो पता है, तो प्रॉब्लम ही क्या है, पुट करते हैं, चलिए फार्मूला पुट करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू a·b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। अच्छी बात यह है कि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप a की जगह b लिख सकते हो या b की जगह a लिख सकते हो। क्लास 12th का रिजल्ट 31 को आएगा, अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे आ गया cos 60 a·b कितना दिया गया, 1/2, a का और b का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड डॉट a का मैग्नीट्यूड, b की जगह भी a लिख सकते हैं,
कॉस 60 की वैल्यू आप में से कौन बताएगा, जल्दी से बताओ फिर मैं करूं सॉल्व। कॉस 60 की वैल्यू कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी से। मैं करूंगा नहीं जब तक तुम लोग बताओगे नहीं। अब तुम चाहे ये सोचो कि मुझे पता नहीं है, चाहे तुम कुछ भी सोचो, लेकिन मैं करूंगा तभी जब तुम लोग बताओगे। यस, तुम में से कोई भी बताएगा कॉस 60 की वैल्यू तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे। वन बाई टू रूट थ्री बाई टू, दो आंसर आ गए, ये भी अब तो क्या करें, अब ज्यादा लोग बताओ। वन बाई टू दो लोगों का आया है, एक लोग का रूट थ्री बाई टू। वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, चलिए वन बाई टू को सही मान लेते हैं। अब है नहीं है वो तुम लोग जानो। ओके ओके ओके, वन बाई टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों एक तरफ लेके जाओ, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू कट होके बन आ जाएगा। तो ए के मैग्नीट्यूड हो गया वन, ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड भी हो गया वन, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ जाएगा वन, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड भी वन निकल के आ जाएगा और बी का मैग्नीट्यूड भी वन निकल के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ जाएगा वन, बस इतनी सी बात थी। बस आपको क्वेश्चन को समझना था कि भाई मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का दे रखा है एंड सच दैट कि एंगल बिटवीन देम 60 है और देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। बस फाइंड x का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर a। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि a को जो बोला गया है वो यूनिट वेक्टर बोला गया है, कुछ रीजन ही होगा इसके पीछे, ठीक है, ऐसे फालतू में नहीं कह दिया गया, यूं ही कोई यूनिट वेक्टर नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कहानी होती है, कुछ ना कुछ तो इसका पीछे लॉजिक होगा। चलिए देखते हैं कि क्यों कहा गया है। x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो x को x से कराओगे तो x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक, फिर a डॉट x माइनस a डॉट x माइनस a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ए इज इक्वल टू वन, हाँ ए के मैग्नीट्यूड का इज इक्वल टू वन हो जाएगा आपका। तो यहां से एक कहानी आपको पता ही है क्या होने वाली है, ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं अगले स्टेप में, इसी स्टेप में कर दें तो क्या जा रहा, ठीक है। अब ए का मैग्नीट्यूड आपको वन पता है, ये वन आ गया, लेकिन निगेटिव का इज इक्वल टू 12, तो x का मैग्नीट्यूड ये हो गया 13, तो निकालना हमें x का मैग्नीट्यूड है जो कि हो जाएगा अंडर रूट 13, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी, है पूछ सकते हो अगर कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी लग रही है। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि ये तो सारे क्वेश्चंस ऐसे आसान आसान से हैं। रूट 13, बिल्कुल प्रतिमा, इफ ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आर सच दैट कि ए प्लस लैम्डा बी इज अ परपेंडिकुलर टू सी, ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए प्लस लैम्डा बी और इसको कुछ नाम और दे देंगे और हमें लैम्डा फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लो इसको, लिख लो इंपॉर्टेंट। आइए आज खत्म ही करा देंगे पूरी, चाहे टाइम और टाइम के हिसाब से हो भी जाएगी, शाम को भी देखो हो सकती है, मैं बता दूंगा पहले से, तुम्हारे ग्रुप में जब मैसेज आया करे तब समझ जाया करो कि क्लास है। मैं ग्रुप जैसे क्लास स्टार्ट करता हूं तो ग्रुप में मैसेज कर देता हूं ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो देखो क्या होगा, 2y प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा माइनस i प्लस 2j प्लस k। तो यहां से आपको कैसे ऐड करना होगा, एक तो i तो आ ही जाएगा, 2 माइनस
लैम्डा आई, टू प्लस टू लैम्डा जे, थ्री प्लस लैम्डा ए, ये आपका हो गया ए प्लस लैम्डा बी। और इसको नाम दे देते हैं हम लोग, कुछ भी और दे देते हैं, आर वेक्टर दे देते हैं, ठीक, परपेंडिकुलर टू सी। अब आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर टू सी है, तो इसका मतलब होता है, या मत दो नाम तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर ही रहने दो, ये पूरा जो है वो परपेंडिकुलर टू सी है, तो ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपने कंडीशन पढ़ी है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो आपको ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो हो जाता है। अब इसकी जगह पर आप ये वाली पहलू डालोगे, टू माइनस लैम्डा आई, टू प्लस टू लैम्डा जे, थ्री प्लस लैम्डा के, डॉट प्रोडक्ट में ये जो सी दे रखा है वो थ्री आई प्लस जे इज इक्वल टू जीरो। इसके बेस पर आपको निकालना क्या है, आपको लैम्डा निकालना है, तो टू माइनस लैम्डा, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कराओगे तो थ्री, टू माइनस लैम्डा ये बचा, जे से कराओगे वन, टू प्लस टू लैम्डा, और के वाला तो टर्म जीरो ही हो जाएगा, ये आ गया जीरो। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, थ्री टू जा सिक्स माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू, प्लस टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो टू लैम सिक्स और टू एट हो गया, माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इज इक्वल टू एट। अगर आपका भी एट आ रहा है और आपको कोई डाउट नहीं है, बच्चे जो मैंने वीडियो बनाई है ना कि कंपार्टमेंट एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करें, तो उसमें मैंने लिंक दे रखा है, वहां से चले जाओ, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। लैम्डा कितना आ गया आपका, एट आ गया, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी रोज, अरे संडे को भी ना, संडे को भी कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया डिसीजन आने वाला है, कुछ ही देर में आएगा, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार सुप्रीम कोर्ट संडे को तो खुलती नहीं है, इन लोग को कहाँ से डिसीजन अभी आ रहा है, तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, मतलब वो उनको पूरा यकीन है कि उनको जो देखने वाले हैं वो एकदम पागल हैं, लेकिन वो इस वजह से वो ऐसे बना लेते हैं कि संडे को भी कहते हैं कि अभी थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है। यार संडे को तो तुम सबको पता होगा कि कोर्ट नहीं खुलता, स्पेशल केसेस में खुल सकता है, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी की केस में होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि देखो, इमोशन सबसे बड़ी चीज़ है, तुम्हारे तुम इमोशनली जो चीज़ तुम सोचते हो ना, वो चीज़ तुम्हें सामने दिखती है तो तुम तुरंत जाके उसको क्लिक करते हो, चाहे कितना भी दिमाग कह रहा हो कि ये झूठ है, लेकिन जैसे अगर हम लोग बाय हार्ट कोई चीज़ मान रहे होते हैं, वो दिखते हैं तो हम उधर जाते ही हैं, इस पर इसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। बिल्कुल सही बात है, इस बात का फायदा उठा लेते हैं कि इमोशंस का फायदा उठा लेते हैं। जैसे मुझे आजकल प्रॉब्लम है तो मुझे कोई आलतू फालतू डॉक्टर भी कुछ बताता है, मेरा दिमाग बिल्कुल कहता है, कोई ये भी कहता है कि वो ऐसे करके हाथ से ऐसे कर देते हैं, फिंगर लगा के सही कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो भी मैं यकीन कर लेता हूँ, क्योंकि इस टाइम जब प्रॉब्लम होती है तो फिर ये दिमाग ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए, बुरा तो हो रहा है, बट हम लोग जो अपनी तरफ से अच्छा कर सकते हैं, आकांक्षा कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखो, सो दैट कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने के लिए ये क्या होगा कि जीरो आना चाहिए। चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है, ये दिखने में क्वेश्चन जितना टफ है उतना आसान लगेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, ब्रैकेट लगा लो। यहां पर देखो, एक एक करके आपको मल्टीप्लाई करानी है, यहां पर ए के साथ ए को इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई,
इस पूरे से करानी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई, चलो एक एक पहले इससे कराते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड डॉट ए और बी ये चीज, ठीक है। अभी हमारा कितना काम खत्म हुआ है, सिर्फ हमने इसको उठाया है, पहले इससे कराया फिर इससे कराया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले बच्चों, इसको उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमें मिलेगा बी डॉट बी और ए डॉट ए। डर्न सम ये मत देखना कि क्या लिख रहे हैं, अपने आप से मल्टीप्लाई करके देखना, हो जाएंगी चीजें, बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड। ये अब आ जाता है काटने का नंबर, ठीक है। काटना मैं तुम लोग को सिखा ही रहा हूं, ठीक है। ए डॉट, अब देखो कौन कौन किससे कटेगा, ये और ये सेम दिख रहा है क्या, दिख रहा है काट दो, ये और ये सेम दिख रहा है क्या, काट दो। ओवरऑल कितना आ गया, जीरो। तो ये कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। सत्यम इज सेइंग, सर आपके साथ एक बच्चा भी पढ़ रहा हो तो प्लीज पढ़ाना बंद मत कीजिएगा, प्लीज सर पास। बिल्कुल देखो मैं कभी भी इस वजह से पढ़ाना नहीं छोड़ता कि मेरे साथ में कम लोग जुड़े हैं या ज्यादा लोग जुड़े हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज इंपॉर्टेंट, बट मेरी खुद की कोई प्रॉब्लम होती है तभी मैं बंद करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं मुझे खुद तो अपना चैनल, चाहे कितने भी कम सब्सक्राइबर्स हों, चाहे कितने भी प्रॉब्लम कुछ भी हो, बट मुझे अपना चैनल बहुत प्यारा है, तो मैं कभी बंद नहीं करता, बट मेरी खुद प्रॉब्लम होती है तो मैं करता हूँ, जब मैं कर ही नहीं सकता इस वजह से। बाकी मैं क्लासेस लेता रहूँगा। इस क्वेश्चन को कुछ समझ पाए हो या दोबारा बताएं। एक और तरीका ये है, मेरी कोशिश तो यही है कि तुम जितने लोग भी हो यहाँ पे, आकांक्षा को छोड़ के, आकांक्षा क्योंकि 2022 बैच की है, तुम लोग एग्जाम के बाद मुझे कभी क्लास में ना दिखाई दो, बाकी मेरी चैट में आओ, बच्चों को बताओ, बाकी और जो वीडियोस डालते हैं उसमें आओ, लेकिन ये क्लास तुम्हें कभी ना लेनी पड़े इन एग्जाम के बाद। इसके बाद देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है। देखो आप लोग ऐसे करना, आप ऐसे करना, पहले आप ऐसे लिख लेना, पहले इसको लिख लेना, ठीक है, आप इसको लिख लेना, फिर आप इसको उठा के लिख लेना, फिर आपको ये मिलेगा। देखो ये दोनों चीजें सेम मिल जाएंगी, जैसे ए ए डॉट बी डॉट ये है, या ये दोनों सेम मिल जाएंगे, ये दोनों सेम मिल जाएंगे, आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बच्चों कि अगर a डॉट a जीरो है और a डॉट b भी जीरो है, then what can you conclude about the vector b? हम लोग b के बारे में क्या कह सकते हैं? अगर a डॉट a जीरो है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, अगर a डॉट a जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि a डॉट a, ध्यान से समझना पूरी बात, जीरो है तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब a का मैग्नीट्यूड जीरो है, तो a इज जीरो वेक्टर, a तो हमारे पास जीरो वेक्टर हो गया हमसे। लेकिन ये a के बारे में कुछ नहीं पूछा है, हमसे कहा है कि b के बारे में बताओ, ठीक है, तो हमसे b के बारे में पूछा है कि b कितना होगा, तो a डॉट b, क्योंकि a हमारा जीरो वेक्टर है, तो b कैन बी एनी वेक्टर, ठीक है, b कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि b कोई भी वेक्टर हो सकता है, नहीं, बी जरूरी नहीं है कि बी जीरो ही हो, बी जीरो भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बी कुछ भी हो सकता है, नहीं नहीं जीरो वेक्टर नहीं, गलत बात कह रहे हो, पिछले वाले का अच्छा जीरो बता रहे हो, देन इट इज करेक्ट, बट अगर बी वेक्टर के बारे में जीरो बता रहे हो, देन इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, बी कैन बी एनी वेक्टर, क्योंकि ए जीरो वेक्टर आ गया ना आपका, ए इज अ जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर अगर ये ए है तो बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये सारी चीजें अच्छा याद है, 12 हाँ डाल देंगे कल, डेट भी कल डालेंगे या थोड़े दो तीन दिन बाद डालेंगे, वन वन
बी कैन बी परपेंडिकुलर ऑल्सो, हाँ बी कैन बी एनी वैक्टर, परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। अगर ये श्योर होता कि भाई एक ए जो है वो जीरो नहीं है तो ये पक्का था कि बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अब बी कुछ भी हो सकता है, बी कोई भी हो सकता है, मेरे तुम्हारे जैसा आम आदमी कुछ भी हो सकता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हो। इफ ए बी सी आर यूनिट वैक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट सी। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, अगर मैं इस पूरे का होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, इस पूरे का, तो मुझे एक आइडेंटिटी याद है, मैं तुम लोग को लिख के दिखा देता हूं, उसके बाद तुम लोग करना क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टू ए बी टू बी सी टू सी ए। ये आइडेंटिटी का हेल्प लेना है हम लोग को। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है? नहीं नहीं भाई ऐसा मत बोलो। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर लेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ले लेंगे टेस्ट भी, डिटरमिनेंट का टेस्ट, आज संडे है, आज ज्यादा कुछ काम और नहीं है, टेस्ट ले लेंगे। तो देखो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस टू ए डॉट बी टू बी डॉट सी टू ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। आप सबको पता है कि ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर बी के डिटरमिनेंट का स्क्वायर, सॉरी डिटरमिनेंट बोल रहा हूं, तो ए के वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो यहां पर ये सारे बन 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 हो जाएंगे क्योंकि ये सभी यूनिट वेक्टर दिए गए हैं। तो बन प्लस बन प्लस वन, और इनमें से टू कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। तो आपको मिल जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा तुम लोगों से रिपीट करके पूछ रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। इज इट क्लियर? Yes, I'm waiting for your answer. ठीक है। If either a is equal to zero or b is equal to zero, then a dot b is equal to zero. ठीक है। But the converse need not to true. Justify answer with an example. ठीक है। आप देखो कि अगर a जीरो है या b जीरो है तो ये पक्का है कि a डॉट b जो है वो जीरो होगा। ठीक है, a डॉट b, ये अगर जीरो है और b जीरो है, या फिर ये जीरो है या ये भी जीरो है, तो a डॉट b जीरो होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि दोनों में से एक भी जीरो दूसरे को जीरो बना देंगे। लेकिन इसका जो कन्वर्स है, मतलब कि a डॉट b अगर जीरो होगा तो ये कंपलसरी नहीं है कि a और b में से दोनों को जीरो होना ही चाहिए। अगर a और b में से जीरो नहीं भी है, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो भी आप कह सकते हो कि ये जो होंगे वो इस कन्वर्स को ट्रू नहीं करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, नॉट बी ट्रू बिकॉज, या फॉर जस्टिफिकेशन एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं।
ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपने पास, जितने भी परपेंडिकुलर वेक्टर के एग्जांपल हैं उनमें से कोई भी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, जितने भी वेक्टर के एग्जांपल हैं कोई भी दे सकते हैं। मान लो हमने एक वेक्टर ए ले लिया जिसमें हमने दिया 2i + 4j + 3k, ठीक है, लेकिन बी वेक्टर हम कुछ ऐसा ले लें जिससे कि ये जो जस्ट है वो 2i + 4j, एक बार देख लेते हैं, पर जीरो आ जाए तो नहीं होगा, एक बार देखो 2 2 = 4 आएगा, 4 4 = 16 और 16, और यहाँ से इसको मैं चेंज करके ऐसे लिख देता हूँ 5 और ये माइनस का 4k, देखो ठीक है। अब मान लो मैं a डॉट b निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 + 16 माइनस का 20, तो इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, 16 + 4 = 20 - 20 = 0। लेकिन ये दोनों वेक्टर 0 नहीं है तो हम लोग उस परपेंडिकुलर की कंडीशंस को भी रख सकते हैं, जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो जरूरी नहीं है कि 0 हो, एक भी 0 हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करा कि इस बस इन दोनों को ऐसा रखा, लास्ट में देख लिया कि भाई 20 तक आ जाए तो 0 बन जाएगा। इज इट क्लियर? कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू एज परपेंडिक, यहां पे लिख सकते हो एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इज 0। नॉन जीरो का भी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अब डिपेंड करता है शुभ में पात्रा की वो देखे हैं। लड़ाई वड़ाई मत कर लेना कि अगर अगर वो तुम्हारा चैनल ना देखे तो, तुम्हारा शेयर करने के बाद में। अब बताओ इसके बारे में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? प्रभाकर कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए, इफ द वर्टिसेस ए बी सी आर, ठीक है, हाँ ये भी है ज्यादा लोग, क्योंकि 200-300 व्यूज आते हैं, लाइव 18-20 रहते हैं तो वो बाद में देखते होंगे। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर 1 2 3, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे लोग उठते भी नहीं होंगे, और ये है रेस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ए बी सी। अगर हमें एंगल ए बी सी फाइंड करना है तो हमें BA और वो चाहिए होगा। देखो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है इसमें, ध्यान से समझना। अगर हमें जान मान लेते हैं कि ये BA है, ये BA है और ये BC है, और ये एंगल हमें निकालना है तो हमें ये वाली दोनों लाइनें चाहिए होंगी, तो हमारा जो एंगल है वो है cos थीटा, हमें यहाँ से मिलेगा BA डॉट BC अपॉन में हमें चाहिए होगा BA का मैग्नीट्यूड और BC का मैग्नीट्यूड, ठीक। प्रॉब्लम यहां पर ये है बच्चों, ठीक है, प्रॉब्लम यहां पर ये है कि हम BA और BC कैसे निकालें, ठीक है। हाँ तो जी सर, जी सर लाइव आने वाले थे हैं सर, साइड में लिखिए। ओहो मैंने गलत जगह लिख दिया, सॉरी, मैं सोचा ही नहीं कि मैं यहाँ दिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो BA और ये C, तो ये जो लाइन है, ये जो एंगल है थीटा, तो हमें यहाँ से BA निकालना है और BC निकालना है, तो BA, हाँ मैं
तो यहां पर देखो, सबसे पहले हमें BA निकालना पड़ेगा। BA मतलब टर्मिनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो कैसे निकलता है ध्यान से देखना, टर्मिनल मतलब A वाले पॉइंट्स ये वाले हैं, ठीक है। हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा A है कौन सा B है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 लिख लिया हमने, यहाँ पे हमने B वाले में -1 0 0 रख लिया और यहाँ पे हमने 0 1 2 रख लिया। तो BA जब हम लोग निकाल रहे हैं, BA लाइन निकाल रहे हैं, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो 1 -1 -1 आए, ठीक है। फिर 2 -0 j, फिर 3 -0 k, हमें मिल जाएगा 2y + 2j + 3k, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद BC निकालना है हम लोग को। तो BC में टर्मिनल माइनस इनिशियल जब करेंगे तो C और ये रखना पड़ेगा, 0 -1 i + 1 -0 j + 2 -0 k। तो हमें मिल जाएगा i + j + 2 k, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो दोनों वेक्टर हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनका बस डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यहां पे कर देते हैं cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, 2 और ये, तो ऊपर आ गया 2, यहां पर भी 2, यहां पर 6, अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 + 4 + 9 और यहां से 1 + 1 + 4। ओवरऑल आपके पास जो मिला वो आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 10/9 और ये 8/17 √17 और √6। इस तरीके से आपका, ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो है वो निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा दिखने में अजीब क्वेश्चन है, अजीब आंसर है, बट क्या कर सकते हैं। तो आपका जो एंगल ABC होगा वो हो जाएगा cos इनवर्स 10/√102, 17 6 102 होता है। कोई प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है इस क्वेश्चन में, आप एक बार मेरे से डिस्कस कर लो, कैसे वेक्टर निकाले, क्या चीजें करी, आप पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं, हम लोग टाइम के हिसाब से चलते हैं, हमें हमेशा। हाँ, ये हो जाता होगा 10/102 आ रहा है आंसर। हम लोग 2 + 2 + 6 10 कैसे हो गया, अच्छा 2 + 2 ये कैसे आया वो बताते हैं। देखो कोई बात, ऐसी चीजें कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से हुई, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से हुई, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 से हुई। तो वो हम लोगों ने BA.BC ये कर दिया है, BA.BC स्केलर प्रोडक्ट निकाल दिया है, ठीक है। हम लोगों ने पहले BA.BC करा, जगह कम थी तो इसलिए ऐसे करा है, BA.BC करा। तो पहले हमने BA, तो 2y की मल्टीप्लाई i से हुई तो 2 बन गया, 2j की मल्टीप्लाई j से हुई तो 2 बन गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो ये 6 बन गया। अपॉन में हमने इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया है, बस नथिंग एल्स, ठीक है। ठीक है, बाद में हम लोगों ने इसको देख के बता दिया, बाकी कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें है नहीं। इज इट क्लियर, नहीं NCERT में है तो कुछ भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि शो करिए कि ये कोलिनियर है पॉइंट, ठीक है, आपसे करवा रहे हैं कोलिनियर शो करने के लिए, बोल रहे हैं कि भाई इनको शो करके दिखाओ कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए तुम्हारे पास 2-3 तरीके हैं, ठीक है, 2-3 तरीके हैं कि मान लो इन तीनों, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। ये एक तो AB वेक्टर निकालो, BC वेक्टर निकालो और AC वेक्टर निकालो, और फिर इसके बाद AB का मैग्नीट्यूड निकालो, BC का मैग्नीट्यूड निकालो और AC का मैग्नीट्यूड निकालो,
यहां निकाल लेते हैं। इसके बाद कोलिनियर करने के लिए आप दिखाओ कि ए बी प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड जो है वो ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्या लॉजिक है इसके पीछे, जरा एक बार ध्यान से समझना। न्यूज क्या है एग्जाम का, देखिए क्या न्यूज है एग्जाम का बताओ। 2-1 आए, ठीक है, टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है, 6-2 जे, 3-7, ठीक। बीसी में क्या करोगे, 3-2 आए, 10-6 जे, -1-3 के। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में हो सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट भी रहता ही है। एसी निकालोगे, 3-1 आए, 10-2 जे, -1-7 के। तो ये आपका आ गया आई प्लस 4j माइनस का 4k, ठीक, आई प्लस 4j माइनस का 4k, 2i प्लस 8j माइनस का 8k, ठीक। इन सब का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, पूरे पे अंडर रूट, मतलब कि 4 का स्क्वायर 16, 16, 32, 33। बीसी का निकालोगे तो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट 33, ठीक। एसी का निकालोगे, एसी का निकालोगे तो 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 64, 64 कितना हो गया, 128, 132, ठीक। यहां रखोगे अंडर रूट 33, यहां रखोगे अंडर रूट 33, यहां रखोगे 132, मतलब 33 इंटू 4, तो 2 अंडर रूट 33। क्या ये सेम आ गए, तो यहां पे लिख सकते हो 233 इज इक्वल टू 233। तो ये आपका हो गया कोलिनियर। तो प्रॉब्लम हाँ, चलिए इस बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता ही है मुझे। सर कुछ यूट्यूबर तो ऐसी वीडियो डालते हैं कि एकदम से लड्डू वाटो कंपार्टमेंट वाले, ऐसे भी लोग हैं सर, नेट खत्म करवा देते हैं। सच में इमोशंस का फायदा उठाते हैं, है ना, इमोशंस का फायदा उठाते हैं, उनको पता है कि वेरी गुड न्यूज़। जब तक ना कोई रिलायबल सोर्स से नहीं आया कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, हालांकि बहुत ही गलत कर रही है CBSE इस चीज़ में, और हमारे कहीं ना कहीं इसमें जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो अगर सही इन्फॉर्मेशन दें तो इन लोगों को ना मौका ही ना मिले। वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा अधूरा छोड़ देते हैं कि जिससे कि बाकी सारे लोग को बहुत मौका मिल जाता है। जैसे कि अभी नया पैटर्न निकाला, तो सिलेबस आपको जब पैटर्न बना लिया था तो या तो पैटर्न ही थोड़े दिनों बाद देते और सिलेबस साथ में देते, सिलेबस नहीं दिया, पैटर्न बना के दे दिया। ऐसे तुम लोग का जब बना रहे थे, तुम उन लोग का एग्जाम दे रहे थे, तुम लोग का साथ में देते या थोड़ा उनका भी लेट कर देते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अधूरी छोड़ देते हैं, जिसके जिसकी जिसका फायदा ऐसे गलत लोग उठाते हैं। अरे मैं तुम्हें लास्ट ईयर की वीडियो शेयर करूंगा ग्रुप में, लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर मुझे याद है 22 सितंबर को एग्जाम था। अभी अगले क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं, तब तक तुम लोग समझ लो, ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो लास्ट ईयर 22 सितंबर को एग्ज़ाम था, और शायद 3 या 4 तारीख को एडमिट कार्ड आ गया था, है ना। उसके बाद उसके अगले दिन की पिटेंशन लोग बता रहे थे कि है, 10 तारीख की है, 15 की भी है, और तुम लोग को मैं ये सच बता रहा हूँ, 22 जिस दिन बच्चे एग्ज़ाम देने गए उस दिन की भी लोग बता रहे थे कि यहाँ पे कोर्ट में ये चल रहा है, कभी भी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, मतलब ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या कर रहे थे। वो सारी चीज़ें हो जाती हैं।
लास्ट ईयर की मुझे याद है पूरी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यूपी बोर्ड का पता नहीं मुझे, बिल्कुल। अच्छा 132 ऐसे होगा ना, 32 इंटू 4 ही तो 132 होता है, तो ये 2 आ जाएगा। आप पूरा करके देख लो इसको, इसके फैक्टर्स कर लो 132 के फैक्टर्स करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। 33 इंटू 4 ही तो होता है ये, ठीक है राज आगे बढ़े। सो दैट द वेक्टर 2y और ये सारे फॉर्म अ वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हमें शो करने हैं, ठीक है। सो दैट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये सारी चीजें हम लोग को दे रखी हैं। अगर मैं OA की बात करूं तो मुझे दे रखा है 2y-j+k, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। OB की बात करूं, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं इसको, i-3j-5k। अगर मैं OC की बात करूं तो 3i-4j-4k फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग को बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, मान लो अगर हमें, अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं वो मैं गलती आप लोग की बता देता हूँ, ठीक है। वो गलती ये कर देते हैं, तुम लोग भी शायद ये गलती कर दोगे कि अगर कभी तुम्हें इस तरीके से वेक्टर्स दिए गए हैं और तुम्हें लगेगा यार ये OA OB OC इन्हीं को हम लोग साइड मान के चल सकते हैं, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों, ठीक है। हम लोग ये ध्यान नहीं देते, हमें पहले इसमें AB निकालना पड़ेगा जो कि आएगा OB-OA, फिर हमें इसमें BC निकालना पड़ेगा जो कि आएगा OC-OB, और फिर हमें यहाँ पे AC निकालना पड़ेगा जो कि आएगा OC-OA। ये तीनों हमें जब निकालने पड़ेंगे और जब ये तीनों निकल के आएंगे, ठीक है, तो हम इसका ये क्वेश्चन, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तीनों का, और तीनों का मैग्नीट्यूड में अगर, ठीक है, जो भी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, अब वो मुझे नहीं पता AB आएगी BC आएगी कौन आएगी, जो भी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उन पाइथागोरस थ्योरम अगर वो फॉर्म करेगी तो ये यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन और नॉट, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ जितने बच्चे भी यहां पर लाइव हैं। पढ़ा देंगे ना इस बार इंटीग्रेशन और कैलकुलस को और भी अच्छे तरीके से, जल्दी से बताओ बच्चों जितने लोग भी लाइव हैं, क्या तुम लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे? ऑलरेडी हो चुका है, वेरी गुड, कर लोगे, हो जाएगा। वही बात है OB-OA और ये सारी चीजें करके आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना, जो साइड सबसे बड़ी लगे उसको अकेला रखना, जो छोटी लगे उनको एक साथ रखना, ठीक है। ये तीनों आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए रखे हैं OA OB OC, आपको इससे AB निकालना पड़ेगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है तो OB-OA, BC में OC-OB, AC में OC-OA, फिर AB निकालोगे, BC निकालोगे और ये AC निकालोगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम से चेक कर लेना कि ये राइट ट्रायंगल में है या नहीं है, ठीक। चलिए बढ़िया बात है, तुम लोगों ने यस बोला। इफ A इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा A इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। हाँ, लास्ट ईयर जैसा नहीं रहेगा, जो CBSE ने सैंपल पेपर दिया था उसके जैसा रहेगा, एज पर नाउ जैसा उन्होंने अभी तक बताया है, ठीक है। इसका ये कह रहे हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सही रहेगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है वो हम लोग के हिसाब से सही रहेगा।
सही रहेगा। तो अब यहां पर देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा अलग, ये चीज अलग, तो इसका मतलब हो गया ये वन अपॉन लैम्डा आ गया, ठीक है। अब आप एक बात और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, लैम्डा यहां पर जीरो है नहीं, और क्योंकि यहां पर दिया गया कि ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वही ये है, तो आप लिख सकते हो कि ए वेक्टर जो है वो वन अपॉन लैम्डा वेक्टर, तो डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ये हम लोग इस वजह से लिख पाए क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, तो हम लोग ए इज इक्वल टू, ए वेक्टर भी मत लिखो, वेक्टर भी लिखना गलत ही हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वन अपॉन लैम्डा हो जाएगा। आई होप कि हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, आई होप कि आप हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट कर लिए हैं। इतनी देर की क्लास तुम लोग के लिए इनफ भी है, इससे ज़्यादा देर पढ़ाएंगे तो तुम लोग अपनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे, तो इतना ही रखते हैं, ठीक है। जेई मेंस का एग्जाम 20 और 27 तक है, 20 से 27 तक, ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप लोग को सारी चीज़ें आज की समझ में आई होंगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो टिल 10:10 आई एम हेयर, ठीक है, 3 मिनट और मैं यहाँ पर हूँ, 3 मिनट के बाद इस क्लास को ओवर करेंगे। अगली क्लास का अपडेट मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है, आपको ग्रुप में दे दूंगा, ऐप पर भी कुछ टेस्ट आज मैं कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है, आप लोग मेहनत से लग जाओ। अपनी कोशिश यही है कि किसी तरीके से आपका एग्जाम ये क्लियर हो जाए, ठीक है, कितनी भी मेहनत करनी पड़े आपके पीछे मत हटना, क्योंकि एक बार आपने ये क्लियर कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसी में पढ़ रहे हैं तो फिर इसी में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सर क्लास 10th सेकेंड कंपार्टमेंट का पेपर कैंसिल है या नहीं? यार जब 10th का आया था ना तो उन्होंने कहा था कि बाद में बताएंगे इसके बारे में, और 12th का जब आया तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के एग्जाम होंगे, तो 10th का क्या कहना है, 12th का क्या कहना है, 12th का तो पक्का कहा है, 10th का श्योर नहीं है, लेकिन आप एग्जाम मान के चलो क्योंकि कोई पॉलिसी रिलीज नहीं करी है, स्कूल ने कोई रिजल्ट नहीं बनाया तुम लोग का, तुम्हारा 15 जुलाई का बाकी बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, तो प्राइवेट वाले बच्चों का एग्जाम ही होगा और कोई ऑप्शन उन्होंने दिया नहीं है आज तक। सर कोई डाउट कहाँ से पूछा करें, ऐप पे उस पर डाल दिया करो, मैं नहीं तो कोई और आंसर दे देगा, हाँ मैं कर दूंगा सेंड, ठीक है। ग्रुप प्राइवेट है, हाँ ग्रुप तो प्राइवेट है, बिल्कुल ग्रुप प्राइवेट है, ऐप पर मैसेज डाल सकते हो जब भी तुम देखते हो, ग्रुप पे तो नहीं डाल सकते, ग्रुप पे इसलिए नहीं क्योंकि कोई भी कहीं से भी आके कुछ भी मैसेज करने लग जाता है तो बाकी लोग को डिस्टर्ब होता है, इस वजह से प्राइवेट रखा है, कभी कभी ऑन करते हैं, ठीक है, कोई भी कभी भी कहीं से भी आके मैसेज करने लग जाता है इस वजह से प्राइवेट रखा है उसको, मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें पता है कि अगर उसको पब्लिक रखें तो ना जाने पता नहीं कौन सा कोई अपनी वीडियो शेयर करेगा कोई बताएगा कि मोबाइल, कोई अपना अमेजोन का ऑफर चेक करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कैंसिल कराने के पीछे एकदम वहीं पे आंदोलन कर देगा, तो इस वजह से प्राइवेट रखते हैं, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप बना दो एक, आप लोग अपना बनाना चाहो बना सकते हो, मैं उसमें इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरा होना मतलब एक डिग्निटी, एक सही से चीजें चलनी चाहिए, तो मैं प्राइवेट ही रखूंगा जब भी बनाऊंगा। सर क्लास 10th सेकेंड कंपार्टमेंट का पेपर कैंसिल है? बिल्कुल नहीं कह सकते कि कैंसिल है, आप लोग कर लो ना उसमें प्रभाकर, आप लोग कर सकते हो उस चीज को। सर फिर से लास्ट ईयर जैसा तो नहीं होगा एग्जाम पैटर्न में? देखो लास्ट ईयर एग्जाम पैटर्न मैथ्स गुरु मैंक ही है जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, तो जो लास्ट ईयर पेपर पैटर्न मतलब उन्होंने क्या करा था कि भाई 6 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये नहीं रखा था कि इस टॉपिक से ये देना है, जितने मार्क्स का आता है आया उतना ही था, बस वो बदल दी थी जगह, तो उस चीज का कुछ भी कर सकते हैं, कह नहीं सकते इस बार भी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैथ्स गुरु मैंग है, 60 मार्क्स बिल्कुल आएंगे, ठीक है, ठीक है। 10:10 हो चुका है तो हम लोग अभी ओवर करते हैं, बाकी बाद में मिलते हैं, ठीक है, जैसी भी क्लासेस होंगी बता देंगे, ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है।